दोस्तों मैं आ गया हूँ आज सर्कल की दुनिया में। यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सर्कुलर है। इसी दुनिया में मैं आपको आज सर्कल चैप्टर पढ़ा दूंगा। यहीं से आप अपने गोले पर बैठकर पूरा ही सर्कल चैप्टर सीख जाएंगे। सारी ही चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। यहीं से खड़े खड़े जो भी आपका सर्कल है, टेंजेंट क्या होती है, पूरा कॉन्सेप्ट, सारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, थ्योरम, जो भी कुछ हो सकता है इस दुनिया का, सब कुछ मैं आपको आपकी दुनिया में आपको दे दूंगा बैठे बैठे ही। तो बस आपको क्या करना है, ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है आपको। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं ये सर्कल का चैप्टर। स्वागत है आप सभी का सर्कल की दुनिया में। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने के लिए। मैंने आपको एक क्रैश कोर्स रिकमेंड किया था कि भाई अगर आपकी तैयारी नहीं है, ये क्रैश कोर्स कर लो। 3 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस इसके अंदर कवर करवाया जा रहा है आपको वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों ने वो क्रैश कोर्स ज्वाइन भी करा है। उन्हीं बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम निकाला है। क्या वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है मैं आपको बता देता हूँ। उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करके बच्चों को ये चांस मिलता है, बल्कि दिखा देता हूं ना क्या चांस मिलता है बच्चों को। ये चांस मिलता है कि वो इतने प्राइजेस की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। खुद ही पढ़ लीजिए मैं क्या बोलूं आपके सामने सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए तक के प्राइजेस का हमने ऑर्गेनाइज किया है उन बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, ताकि वो बोर्ड एग्जाम की फाइनल तैयारी जो कर रहे हैं और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा अच्छे तरीके से वो तैयारी करें, उनको स्कॉलरशिप हम देंगे। किस तरीके से देना है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ये फोन नंबर दे रखे, आप कॉल करके बाद में पूछ भी लेना, सब कुछ डिटेल निकाल लो। फोन नंबर आपके सामने है। किस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हमने ये सोचा है कि हम एक टेस्ट लेंगे। बच्चों का क्रैश कोर्स तो चल रहा है, तो बच्चों ने पढ़ाई कर ली, काफी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, हम उसमें से ही एक टेस्ट बनाकर बच्चों से पूछेंगे और उसके अंदर जैसे जैसे बच्चों की रैंक्स आएंगी, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको प्राइज मिलेंगे। कैसे प्राइज मिलेंगे देखिए यहां पर बता देता हूं मैं। ये रैंक्स दी गई हैं, लेट सपोज 1000 बच्चों ने टेस्ट दिया, 1500 या 2000 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उस टेस्ट के अंदर 1 लाख रुपए का इनाम उसको दे देंगे, सेकंड रैंक वाले को 51,000, थर्ड को, इस तरीके से ये रैंक वाइज यहां पर उसको हम प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 5वीं रैंक के बाद इसकी 6ठी रैंक होगी, 6, 7, 8, 9 से लेकर 25th रैंक तक, मतलब 6 रैंक से 25 रैंक तक के बच्चों को क्या करेंगे हम, उनको हम देंगे टेस्ट सीरीज फ्री में। जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सो देट वो पढ़ाई जो कर रहे हैं उसको टेस्ट कर लें कि भाई कितनी तैयारी हो गई हमारी फाइनल बोर्ड एग्जाम की, वहां से उनको ये फैसिलिटीज मिल जाती है। 25 से नीचे वाली रैंक का क्या, उनको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। ये है स्कॉलरशिप प्लान 1। प्लान 1 मतलब ऐसी 2 स्कॉलरशिप और लेकर आएंगे, मतलब 2 बार ऐसा ही प्रोग्राम और चलाया जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम होने से पहले पहले। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से कमी छोड़े, तो भाई ये तरीका है, आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं। कब होगा ये वाला टेस्ट, जो पहली स्कॉलरशिप का प्लान 1 का टेस्ट होगा उसकी डेट मैं आपको लिखवा देता हूं, 24 मार्च। 24 मार्च को इसका टेस्ट आपका होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। कितने बजे होगा, रात को 8 बजे ये टेस्ट लिया जाएगा। 5 मिनट पहले पहुंच जाना, एंट्री कर लेना, ये टेस्ट आप दे देना। कहां पर दे सकते हो, कौन दे सकता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, उस एप्लीकेशन को जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। दुर्निया एप्लीकेशन उसका नाम है, उसमें डाउनलोड करके जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा 10th क्लास का, उसके अंदर आप अपने आपको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि एनरोल करने के बाद ही आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएंगे। तो देर ना करें, अभी लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस कोर्स का आप पार्टिसिपेट करें और उस कोर्स को आप एनरोल कर लें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं, क्या जानते हैं कमेंट करके बताना मुझे। यहां पर चैप्टर का नाम है सर्कल, व्रत क्या होता है ये पहले यही बता देता हूं, वैसे मैंने ये कई बार आपको बता रखा है, ठीक है। तो फटाफट एक बार और रिकैप कर लेते हैं, सर्कल क्या होता है, मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं ना। सर्कल आपका ये होता है जी, ये लो कहां गया, बिल्कुल सही सर्कल हमने बना दिया यहां पर, ये सर्कल होता है। इसको लेकिन अगर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा बोल के शब्दों में, तो कैसे हम बताएंगे, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट है, अगर हम उस पॉइंट से बराबर फासला रखते हुए उस पॉइंट के चारों तरफ एक कर्व लाइन, एक रास्ता, एक पॉइंट्स का पाथ हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो फिगर आपकी बन के आएगी, ये फिगर आपकी सर्कल या वृत्त कहलाएगी। क्या बताया मैंने, अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट से बना हुआ एक रास्ता, एक लोकस, एक गोल दायरा, इक्विडिस्टेंस, बराबर फासला है जिसका, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से उसका
किसका इस वाले पॉइंट से बराबर फासला है, तो ऐसी जो फिगर बनेगी आपकी सर्कल बनेगी, सर्कल कहलाई जाएगी। क्लियर है आपको? आइए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको। इस चैप्टर के अंदर आपको टेंजेंट बस यही पढ़ना है, सिर्फ टेंजेंट से रिलेटेड एक दो थ्योरम से और क्वेश्चन से आपके ये आपके काम आने वाला है। इसकी जितनी भी चीज़ें होती हैं आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ये सब मैंने आपको बता रखा है। अगर इसे सीखनी है तो पुरानी वीडियोज आप देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो इस चैप्टर में आएंगी और आपके लिए ज़रूरी है। टाइम कम है तो चीज़ें भी हम ज़रूरी ज़रूरी ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आइए सर्कल क्लियर हो गया, फटाफट बढ़ते हैं आगे। अब क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए एक सर्कल और एक लाइन की अगर हम बात करेंगे, उनकी जुगलबंदी आपस में बिठाएंगे, किसकी, एक वृत्त की और एक रेखा की, इन दोनों की हमने साथ में इनको लेकर आ गए, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब एक सर्कल और एक लाइन एक साथ मिलेंगे हमें। तो ये तीन पॉसिबल गिवन यहां पर कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये होगी आपकी कि एक सर्कल होगा एक लाइन होगी, दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, बिल्कुल जुदा जुदा होंगे, हम नहीं जानते दूसरे को, टच भी मत हो जाना, सोशल डिस्टेंसिंग चल रही होगी पूरी पूरी, ठीक है, पूरा पूरा यहां पर पालन हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। इस कंडीशन में ये जो है आपका, ये आपका जो है ये आपका सर्कल ही रहेगा, सर्कल ही बोले जाएगा ये, और ये जो लाइन है आपकी पी क्यू ये आपकी लाइन ही कहलाई जाएगी। ठीक है, ये सोशल डिस्टेंसिंग करे हुए हैं पूरी पूरी। दूसरा केस, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है आपकी कि लाइन जो होगी पी क्यू वो सर्कल को इस तरीके से कट कर रही होगी, दो जगहों पर, दो पॉइंट्स पर ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही होगी। एक कंडीशन ये बन सकती है अगर हम उस सर्कल के ऊपर लाइन चढ़ा देंगे। तीसरे कंडीशन आपकी बन सकती है कि एक सर्कल होगा और वही लाइन होगी, वो लाइन ना उस सर्कल को टच करती हुई गुजर रही होगी, टच करती हुई, ये यहां पर टच दिया उसने इस तरीके से, कंधे से कंधा मिला के ऐसे करके टच करते हुए निकल गई, ये तीसरी कंडीशन बनेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब यहां पर क्या होगा, नाम बदल जाएंगे इस लाइन के, जैसे ही लाइन ने उस सर्कल को दो जगह कट करा तो अब इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे कॉर्ड या फिर सेकंड, क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे या जीवा बोलेंगे हिंदी में, कॉर्ड आप बोल सकते हैं। कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड वही होती है कि जो एक सर्कल को दो सेगमेंट के अंदर बांट दे। तो यहां पर इस पी क्यू लाइन ने भी सर्कल को दो सेगमेंट पर अलग अलग बांट दिया, एक सेगमेंट ये आ गया जिसको आप माइनर सेगमेंट का नाम दे सकते हैं और दूसरा सेगमेंट आपका ये आ गया जिसको आप मेजर सेगमेंट का नाम दे सकते हैं। किसने डिवाइड करा है, ये डिवाइड करा है आपका इस लाइन ने, यहां पर पी क्यू लाइन जो आपको नजर आ रही है। तो इस कंडीशन में जब एक सर्कल को एक लाइन दो जगह इंटरसेक्ट करेगी या एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट करेगी तो वो सेकंड कहलाई जाएगी, सेकंड जीवा या कोड भी आप बोल सकते हो, ठीक है, सेकंड बोलते हैं वैसे ज्यादातर। इस कंडीशन की बात करते हैं, टच करके निकल गया भाई, टच करके क्या कहेंगे इसको हम, इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, नाम से देखो ना, फील निकालो नाम से, क्या हो रहा है यहां पर, लाइन इसको टच करके निकल लेगी, टच स्पर्श, हिंदी में टच को स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श करके निकली, निकली कौन है, रेखा निकली है, तो स्पर्श रेखा है, क्या कॉन्सेप्ट है, स्पर्श रेखा, इसी को इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं, ये है टेंजेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लाइक कर देना वीडियो को। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक जगह से टच करके गुजरे, ठीक है, एक जगह से टच करके जब कोई लाइन गुजरेगी एक सर्कल से सिर्फ एक जगह पर, वो लाइन आपकी टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहलाई जाएगी। तो आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो आगे यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है, बुक में आपका ये लिखा हुआ है टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट आपकी होती है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन दैट जो कि इंटरसेक्ट्स द सर्कल, सर्कल को कट कर दे, काट दे, एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर, सिंपल एज दैट। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब ये, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लो मुझसे, डियर सर से पढ़ रहे हो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना आपको, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए ही, जो टेंजेंट वर्ड है ये लैटिन वर्ड टेंगरी से निकाला गया है, जिसको सबसे पहले यूज करा था ये हमारे साइंटिस्ट आ गए थॉमस फिंक ने। तो इन्होंने इस टेंजेंट वर्ड का सबसे पहले यूज किया था 1583, मतलब 1580 के आसपास, आज से 600-700 साल पहले। तो ये वो मैथमेटिशियन है हमारे जिन्होंने इस वर्ड का यूज किया है। अब आते हैं दोबारा अपने मुद्दे की बात पर, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो दोबारा से इसको समाप्त कर दूं मैं फटाफट, क्या सीखा हमने, ये सीख लिया कि भैया एक हमारे पास सर्कल होगा, जी होगा, फिर क्या होगा, अब उस सर्कल के अंदर से अगर कोई लाइन हम क्या करें, हम उससे टच करती
हुई कोई एक लाइन बना दें, उससे टच करती हुई हम क्या कर दें, हम एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये जो लाइन एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल रही है, ये लाइन क्या कहलाएगी, ये टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहलाएगी। सिंपल एज दैट, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब कुछ और जरूरी बातें चैप्टर में आने वाली है, एक सर्कल से हम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स बना सकते हैं, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा दो। दो ही रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो पैरेलल बन सकती हैं एक सर्कल के अंदर। आइए देखिए, ट्राई करते हैं। तो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, दोबारा से इसको हम शुरू करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं एक सर्कल, ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहां पर एक स्पर्श रेखा बनाने जा रहा हूं। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर हमने ले ली एक स्पर्श रेखा, लेट सपोज सीधी बनाते हैं बिल्कुल। तो यहां से मैंने बनाई, ये आ गई पहली स्पर्श रेखा, ठीक है। अब इसके पैरेलल अगर मैं बनाऊंगा, तो पैरेलल तो इसके पैरेलल क्या होती है, समांतर, जो बिल्कुल सीध में हो इसके, और बिल्कुल सीध में फिर कहां बनेगी, वो फिर बनेगी बिल्कुल यहां इस जगह नीचे, तो यहां पर बन जाएगी। तो यही दो पैरेलल लाइंस आपकी हो सकती हैं, बन सकती हैं, बस इसके अलावा पैरेलल लाइंस नहीं बन सकती। आप खुद सोच लो ना, अगर मैं लेट सपोज यहां पर बनाने लग जाऊं, ये मैंने यहां पर बना दी ये वाली लाइन, तो क्या ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है, नहीं है। टेंजेंट तो है लेकिन पैरेलल नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहां बनाऊंगा एक लाइन, तो वो पैरेलल होगी इस वाली के। मतलब कहने का यह है कि सिर्फ दो ही लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, एक किसके अंदर, एक सर्कल के अंदर। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो एक काम ये कर सकते हैं, हम ना यहां पर बीच में भी बना सकते हैं, यहां पर इस तरीके से, यहां पर हम क्या करेंगे सर जी, हम ऐसे करके बीच में बना देंगे सर, ये भी तो पैरेलल आ गई, तीन हो गई। बच्चों नहीं, ये टेंजेंट नहीं है, ये सेकेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर सर्कल को दो जगह कट कर रही है, और जो लाइन दो जगह कट करती है वो टेंजेंट नहीं, सेकेंट होती है। तो ध्यान की बात ये रखो, मुद्दे की बात, कि भाई एक सर्कल में हम सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं। और अगर बात करूँ टेंजेंट कितनी बना सकते हैं, भाई टेंजेंट तो जितनी मर्जी बना लो आप, कोई भी लिमिट नहीं, जितनी मर्जी टेंजेंट बना लो आप जितनी मर्जी टेंजेंट बना लो। भाई यहाँ बनाई आपने, थोड़ा सा और घुमाया मैंने, यहाँ पर ये मैंने एक और टेंजेंट बना दी, ठीक है। थोड़ा सा स्केल मैंने और टेढ़ा किया, यहां मैंने टच कराया इस जगह पर, ऊपर करा दो आप, ठीक है। ये मैंने स्केल पूरा खड़ा कर दिया, यहां पर मैंने रखा, फिर यहां पर एक टेंजेंट बना दी, फिर मैंने स्केल बिल्कुल नीचे लेकर आ गया, मैंने क्या करा, मैंने यहां पर बना दी। तो इस तरीके से आप टेंजेंट तो कितनी मर्जी बना सकते हो भाई, जितनी चाहो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो सर्कल से, इनफाइनाइटली जितनी आप चाहो, लेकिन पैरेलल सिर्फ दो होंगी। तो यही वो मुद्दे की बातें थी जो मैंने आपको सारी बता दी। आई थिंक जो भी कॉन्सेप्ट था छोटा मोटा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और जो चीजें आती रहेंगी वो सब में चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी हमारी एक्सरसाइज होंगी, सवाल आएंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। ये आपकी इतनी चीजें हो चुकी हैं, आइए इसी के बिहाफ पे हम आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो आइए दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। सारा कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, या एक सर्कल से टच करते हुए हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये बात सिखा दी है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, तो हम जितनी चाहे मर्जी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, उससे टच करा के गुजार सकते हैं। तो सिंपल एज दैट, पहले का आंसर हम देखते ही बता देंगे क्या आंसर आएगा इसका, इनफाइनाइटली टेंजेंट, जितनी मर्जी बना सकते हो आप बना सकते हो। तो यहीं पर हम वही लिख देंगे, इनफाइनाइटली टेंजेंट इसका आंसर आपका रहने वाला है, हम बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका इसका पहले का आंसर हो चुका है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिप्स आ गए आपके, एक एक नंबर के अंदर पूछ सकता है, छोटे छोटे से फिलिप्स हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, एक टेंजेंट एक वृत्त को कितने पॉइंट्स पर काटती है, कितनी जगह कट करेगी। अगर एक जगह कट कर रही है तो वो क्या होगी, वो टेंजेंट होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक टेंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। अगर एक पे करेगी टेंजेंट होगी, अगर दो पे कर दे मतलब सर्कल के बीच में से कहीं गुजर जाए तो वो क्या होगा, फिर वो टेंजेंट नहीं रहेगी, फिर वो आपकी सेकेंड या फिर
कोड इसका बोल सकते हो वो बन जाएगी। अगला देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। ये लो अगली बात वही आ गई कि एक लाइन है जो काट रही है एक सर्कल को इन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स पर, एक जगह काटा कहीं दूसरी जगह काटा, इस तरह से कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी? फिर वो टेंजेंट नहीं होगी मुन्ना, फिर वो सेकेंट होगी, या कोड जिसको आप बोल सकते हैं वो होगी। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा यहां पर सेकेंट। समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं बहुत क्लियर है कॉन्सेप्ट, हमने सब कुछ सीखा है यहां पर। अगला है कि अ सर्कल कैन हैव, एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स आप एक सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कितनी पैरेलल समांतर स्पर्श रेखाएं बना सकते हो आप एक वृत्त के अंदर, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये भी हमने कॉन्सेप्ट में सीख लिया कि अगर हमारे पास एक वृत्त है, एक गोला है, एक सर्कल है, तो हम उसके सिर्फ मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि तीसरी अगर हम ड्रॉ कर भी देंगे तो वो पैरेलल नहीं रहेगी। तो समांतर कितनी हो सकती है? दो आपकी हो सकती है जो आपकी पैरेलल होंगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कितनी, ओनली टू, या आप ओनली टू लिख देंगे या आप खाली टू लिख देंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा दो ही पैरेलल टेंजेंट्स आपस में हो सकती हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, वो कॉमन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर सर्कल पे वो पॉइंट हो और जहां पर टेंजेंट उस सर्कल पे टच कर रही हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है? तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर सर्कल और टेंजेंट आपस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यहां पर टच कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत सिंपल है, तो यहां पर आप लिख देंगे इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंपल एज दैट, बहुत ही ईजी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ये हमने सारी फिलअप जो है कर ली है, फटाफट वीडियो पोस्ट करके आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर वैसे नोट करने वाला कुछ इसमें बात है नहीं है तो माइंड में आपके रहेगा फिट। अगला सवाल देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm, एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक टेंजेंट होके गुजरती है PQ, जहां पर हमें क्या दिया गया है, OQ 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो PQ की लेंथ हमें बतानी है कि इसमें से PQ की लेंथ क्या होगी। तो पहले आप ये सब नोट कर लीजिए फटाफट, अगर आपने नहीं करा हो तो मैं इस सवाल आपका करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं इरेज करता हूं, हटा देता हूं, और फिर हम ऊपर का जो नीचे का सवाल है हमारा वो हम करेंगे। तो ये मैंने हटाया, अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल को थोड़ा सा छोटा करके ऊपर ले जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे रहा। अब हम पहले क्या करेंगे, एक आपको समझाता हूं रफली, देखिए एक हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो एक रेडियस होगी सर्कल की, तो यहां पर अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करूं सर्कल की, तो यहां पर देखिए ये लेट सपोज मान लेते हैं कि ये किसी सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक है, ये रेडियस हो कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की ये रेडियस है, यहाँ पर ये ओ सेंटर है और हमारे पास नीचे क्या है भाई, अ पॉइंट क्यू, यहां पर हमारे पास पी पॉइंट है टेंजेंट का, ऐसे हमसे कहा गया, फिर इसी टेंजेंट पे Q पॉइंट है, तो लेट सपोज ये हमारी टेंजेंट होगी, सीधी लाइन स्पर्श रेखा जो सीधी जा रही है, ये हमारी टेंजेंट हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है Q, ये आ गया वो पॉइंट Q, अब यहाँ से और Q का डिस्टेंस हमें दे रखा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख दिया, हमें क्या बताना है, लेंथ PQ। तो ये PQ यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है ये आपको बताना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है। तो सिंपल एंसर अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। सिंपल एज इट क्या होती है, वही होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है उसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो यहां पर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, इन दोनों के सम के बराबर इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, इससे हम उल्टी भी बना देंगे, मतलब दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी बनेगी, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, बेसिकली तो आपका ये होता है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें जो बेस निकालना है, आधार निकालना है, तो बी के स्क्वायर को हम इधर ही छोड़ेंगे, हमारे पास एच का स्क्वायर इधर ऑलरेडी है, माइनस में ये पी का स्क्वायर चला जाएगा, और इसका जो ये ऊपर का स्क्वायर है इसके बदले यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, हम इस छोटे से ये जो है हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी रह जाएगा, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपल एज दैट, बेस निकालना है हमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो यहां पर हम 144 लिख देंगे, 144 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, यहां से यहां तक ये है आपका 5 सेंटीमीटर का, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहां पर 25 लिख देंगे, इस पूरे का अंडर रूट चल रहा है, माइनस करेंगे कितना आपका आएगा, यहां पर आएगा आपका 9 और 1 और फिर जाएगा आपका 1, तो 119 अंडर रूट आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन मुझे दिख गया, ऑप्शन डी,
आगे मुझे करना ही नहीं है। तो ये रूट का 119 सेंटीमीटर ये क्या है, बी है, और बी क्या है, बेस है, बेस क्या है हमारा, पी क्यू है। इसका मतलब जो आपका पी क्यू निकल के आया वो रूट 119 निकल के आया। आप पहली फुर्सत में क्या करेंगे, आप अपना ऑप्शन टिक कर देंगे कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, ऐसे आपको कर देना है। तो फटाफट होंगे ये चीजें, बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए मैं थोड़ा सा आज स्पीड में हूं, फटाफट चीजों को मैं करवाता रहूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए क्या हुआ है यहां पर, फिर मैं फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवा देता हूं। तो आइए दोस्तों फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म हमारी। छोटे छोटे से सवाल है, छोटे छोटे से चैप्टर है। आइए देखिए यहां पर सवाल है कि ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल एक वृत्त बनाओ। कुछ नहीं पढ़ा मैंने आगे, वृत्त बनाना है, आइए बना लेते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक पहले सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने शेप्स उठा ली और ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये आ गया सर्कल। ऑल राइट, आगे हमसे कहा गया एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, दो पैरेलल लाइन बनानी है एक दी गई लाइन से। तो पहले एक दी गई जो लाइन है ये गिवन लाइन, ये हम बना लेते हैं। तो एक मैं यहाँ पर फटाफट लाइन ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये लेट सपोज हमारी है वो गिवन लाइन, ठीक है। तो ये हमारी वो गिवन लाइन है, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, हम लिख भी देंगे। ये आपकी हो गई कौन सी लाइन, ये है आपकी गिवन लाइन, जो दी गई लाइन है, ठीक है। आप मानेंगे भी इसको कुछ नाम दे देना, आप इसको पी क्यू एक्स वाई कुछ भी, लेट पी बी द गिवन लाइन या एक्स बी द गिवन लाइन, ऐसा आप इसको लिख देना, जो भी आप नाम देंगे। जिसको मैंने इसको एक्स नाम दे दिया, लेट एक्स बी द गिवन लाइन, ये वो गिवन लाइन है। आगे कहा गया है अब दो लाइन बनानी है इसके पैरेलल, इस गिवन लाइन के पैरेलल, टू गिवन लाइन, दो लाइन बनानी है पैरेलल। कैसे कैसे, सच दैट, इस तरीके से कि वन इज अ टेंजेंट, एक तो टेंजेंट हो एंड अदर अ सेकेंड, और दूसरी आपकी सेकेंड हो। तो इसके पैरेलल हो दोनों, लेकिन एक टेंजेंट बनाना है एक सेकेंड बनाना है। तो हमें वही पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होती है, भाई जो सर्कल से टच होती हुई गुजरे, एक पॉइंट पर उसको काटती हुई गुजरे। तो हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो सर्कल पर टच होती हुई जाए लेकिन एक ही जगह कट करे और इसके पैरेलल हो। समझ में आ गई बात, आइए बनाते हैं। तो फटाफट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक स्केल लेंगे यहाँ पर और स्केल की सहायता से हम सर्कल पे से टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लाइन का कलर जो है चेंज कर देता हूँ। तो ये जो लाइन आ गई, ये दोस्तों लाइन आ गई कौन सी, आपकी टेंजेंट आ गई, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूंगा, इस लाइन को मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा टेंजेंट, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ये है आपकी टेंजेंट। और एक बात और देखेंगे तो ये टेंजेंट के साथ साथ इसके पैरेलल भी है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बराबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी शर्त है सवाल में। और एक टेंजेंट, दूसरी सेकेंड बनानी है, सेकेंड क्या होती है, जो सर्कल को दो जगह कट कर दे। तो आइए फटाफट एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, कहीं पर भी आप एक लाइन बना दीजिए जो कि हमारे दिए गए सर्कल को क्या करती होगी, दो जगह कट करती होगी। तो ये मैंने बना दी एक लाइन और, ये आपकी हो गई सेकेंड, दो जगह कट कर रही है, एक जगह यहाँ कट कर रही है, एक जगह यहाँ कट कर रही है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, सिंपल एज दैट। ये आपको करना था तो आप लिख देंगे लेट एक्स बी द गिवन लाइन, ठीक है। नाउ इसको आप नाम दे देना, इसको आप पी नाम दे दीजिए और इसको आप क्यू नाम दे दीजिए, कि पी बी द लाइन ऑफ टेंजेंट और ये आपकी जो क्यू है, क्यू इज अ सेकेंड लाइन विच इज शोन एज बिलो, जो इस तरीके से हमें दिखाई गई, नीचे फिगर बना के दे देना। ये आपका सवाल हो चुका है, सिंपल एज दैट, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको इसकी मिलने वाली ही है पूरी की पूरी। फटाफट ये चैप्टर हमने निपटा लिया है, मतलब चैप्टर ने ये एक्सरसाइज हमने निपटा ली है। अब 10.2 एक्सरसाइज इसकी रह गई है, आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ, क्या क्या क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं, पूछे जाने वाले थ्योरम वगैरह सब कुछ करके ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। एंड तक आज ये वीडियो देख के जाना है आपको। गाइस 10.2 स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको इस चैप्टर की दोनों थ्योरम्स करवा दूं, क्योंकि दो ही थ्योरम्स हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो थ्योरम आपकी आएंगी। तो आइए पहले हम सीखते हैं 10.1 थ्योरम, फिर 10.2, उसके बाद 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आइए थ्योरम 10.1 क्या कहती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कह रही है हमसे कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहा गया है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम एक वृत्त को टच कराती हुई एक स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो स्पर्श रेखा, वो टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच करेगी सर्कल को, जिसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, आपको मैंने बताया था, तो उस पॉइंट से रेडियस पर परपेंडिकुलर बनता है। अगर हम उस पॉइंट से रेडियस टच करा के मिला देंगे तो वहां पर परपेंडिकुलर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये हमसे कहा गया है, ये थ्योरम है। अब ये सब मैं आपको नहीं रटवाऊंगा भाई, ये रट लो एग्जाम में आएगा, लिख के आ जाना, कोई जरूरत नहीं है, डीएस से पढ़ रहे हो आप, रटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हटा दो इसको। ये चीज मैं आपको करके दिखाता हूं अभी, फिर आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो आइए यहां पर हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे। देखिए क्या कहती है थ्योरम, ये कहती है कि हमारे पास एक सर्कल है, तो यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा पहले,
ये एक सर्कल है, ठीक है। अब हम टेंजेंट बनाएंगे, तो आइए फटाफट से एक टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर ये मैंने लिया स्केल और एक टेंजेंट मैं यहां पर बनाता हूं आपके लिए। ये देखिए मैं यहां से एक टेंजेंट जो है वो ले रहा हूं। लेट सपोज ये मैंने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, टच करती हुई निकल गई, इसको हटा दो। तो ये टेंजेंट इसको टच करती हुई निकल रही है। अब यहां पर अगर मैं देखूं इस पॉइंट पर ये यहां पर इसको टच कर रही है, मतलब ये है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इतनी बात तो जी हमें पता है, बहुत सिंपल है। अब ये थ्योरम ये कह रही है कि ये कोई भी टेंजेंट होगी वो क्या करेगी, उसके सेंटर से अगर हम यहाँ से उसकी रेडियस, ये तो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, इसको अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनेगी, मतलब यहाँ पर हर बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम ये कहती है। अब इस चीज को समझ में तो आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं लेट सपोज क्या करूं, मैं इस टेंजेंट को उठा लूं और इसी टेंजेंट को मैं थोड़ा सा यहां से शिफ्ट करके कहीं और बना दूं। अगर हम मान लेते हैं ये टेंजेंट यहां ना होती, ये टेंजेंट अगर यहां होती, इस जगह होती, ठीक है, इस जगह टेंजेंट होती, फिर क्या होता, आइए देखते हैं। तो फिर ये होता, फिर रेडियस से यहां टच करा रही है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो फिर यहां से जो रेडियस बनती, यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता, ठीक है जी। आइए दोबारा और पोजीशन चेंज करते हैं इसकी। तो इसकी जो तरह सी पोजीशन में चेंज करूंगा, आप मैं इस टेंजेंट को यहां ना बनाकर मैं इसको यहां ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये टेंजेंट यहां कहीं पर ड्रॉ हो रखी होती तो फिर क्या होता, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता, और यहां से अगर मैं रेडियस से इसको मिलाता तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनता। समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यह है कि एक टेंजेंट जब एक वृत्त के ऊपर बनती है तो जहां से वो टच करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, रेडियस से, जो यहां पर परपेंडिकुलर होता है, तो वो रेडियस कैसी आएगी, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर आएगी। ये बात ध्यान रखनी है, और परपेंडिकुलर आएगी तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये थ्योरम कहती है। तो मैंने आपको दिखा भी दिया, तीन बार एग्जांपल करके दिखा दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। आइए फटाफट पीछे आते हैं दोबारा। अब क्या लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ समझ में आएगा, अब इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए यहां ये लिखा हुआ है, वी आर गिवन अ सर्कल, हमें एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट जो है वो एक्स वाई है टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट जो है इसका वो यही वाला पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, आपका टच कराने वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। अब प्रूव दैट ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हमें प्रूव करना है कि जो ओ क्यू है, कहाँ गया ओ पी, ये जो ओ पी लाइन खड़ी हुई है, ये जो रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस एक्स वाई लाइन के ऊपर, ये प्रूव करना है। करके तो दिखा दिया, कैसे प्रूफ होगा देखिए। टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, हमने एक्स वाई इस टेंजेंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर क्यू, क्यू पॉइंट ले लिया, लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल से बाहर लिया है हमने। अब यहाँ पर रीजन भी लिखा हुआ है, ये रीजन चाहे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रीजन क्यों लिया है बाहर, भाई बाहर हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम इसको सर्कल के ऊपर ले लेंगे तो फिर ये ना ये लाइन इसको दो जगह कट करेगी, सर्कल को दो जगह, अगर कोई लाइन कट करती है तो वो टेंजेंट नहीं रहती, वो सेकेंड बन जाती है। तो ये टेंजेंट ही बनी रही, इसलिए हमने सर्कल से बाहर पॉइंट लिया है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। मुद्दे की बात, देयरफोर, इसलिए क्या होता है, ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस। अब आप खुद सोचो, जब ये क्यू पॉइंट हमने सर्कल से बाहर लिया है तो जाहिर सी बात है इस OP से लंबाई होगा, भाई OP तो हमारी सर्कल तक आ रही है, क्यों चला गया और बाहर, और ज्यादा बाहर चला गया, तो मतलब ये OP से तो लंबा है। तो यहां पर ये बात लिखी है कि OQ is more than OP, OQ जो है वो OP से बड़ी है, ज्यादा है। इस जेड के लिए दिख भी रहा है मैं फिगर में आई। अब Since this happen for every points on the line xy except the point P, ऐसा हर बार होगा जब हम इस xy लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट डालेंगे सिवाय P के, P को छोड़कर, क्योंकि P को छोड़कर ही P सबसे shortest distance है। अगर हम P के अलावा कहीं भी पॉइंट ले लें, हम Q यहाँ ले लें जब भी वो P से बड़ा होगा, हम Q यहाँ ले लें जब भी वो P से बड़ा होगा, हम Q यहाँ ले लें जब भी P से बड़ा होगा, हम Q यहाँ माने जब भी P से बड़ा होगा, P को छोड़कर जहां पर हम Q लेंगे वो बड़ा ही आएगा। तो P जो है वो रेडियस से सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हम कह सकते हैं। यहां पर, यहां पर ये लिखा हुआ है, OP is the shortest of all the distances of the point O to the point of XY, तो XY के ऊपर OP ही सबसे छोटा डिस्टेंस है, सो OP is perpendicular to XY, इसी वजह से OP क्या है, वो परपेंडिकुलर बिल्कुल खड़ा हुआ है, जब बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा होगा तभी तो सबसे छोटा होगा, सिंपल एज दैट, यही बात यहां पर लिखी हुई है, ये हमने यहां पर प्रूव कर दी, ये बात यहां पर आपको लिखनी है बस, ये
थ्योरम आती है, तो इतना सा आपके अंदर इस पर काम रहने वाला है। पूरी थ्योरम एक्सप्लेन कर दी मैंने फटाफट। इसकी थ्योरम 10.2 जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो वो आइए हम सीखते हैं। तो आइए दोस्तों 10.2 थ्योरम देख लेते हैं। इसकी थ्योरम हमसे ये कह रही है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल के, अगर हम एक सर्कल बनाएं और उसके बाहर कहीं पर एक पॉइंट डालें, उस पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट दो स्पर्श रेखाएं बनाते हैं तो वो दोनों बराबर लंबाई की होगी, ऐसा कहा जा रहा है हमसे। आइए इसको चेक कर लेते हैं ना, हम एक बार बना के खुद से चेक कर लेंगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। हम नहीं मान रहे थ्योरम, हम तो नहीं मानते, हम करके देखेंगे फिर मानेंगे। आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है एक सर्कल। यहां पर हमने एक सर्कल ले लिया बाहर को, ये आ गया आपके सामने एक सर्कल। हमसे कहा गया कि बाहर एक पॉइंट ले लो कहीं पर भी। तो लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आइए फटाफट करते हैं। तो यहां से मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये मैंने पॉइंट लिया और इस पॉइंट से मैंने यहां पर ये सर्कल टच करा दिया, तो ये एक टेंजेंट बन गई। सेम मैं क्या करूंगा, सेम इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट यहां पर बनाऊंगा, तो यहां पर ये मेरी दूसरी टेंजेंट बन गई। हमसे कहा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट यहां पर इन्होंने आपस में टच कराया है ये बराबर लेंथ की होंगी। तो आइए इनकी लेंथ एक बार हम नाप लेते हैं फटाफट। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं एक स्केल की हेल्प से इनकी जो लेंथ है उसको मैं मेजर कर लूंगा। आइए देखते हैं क्या लेंथ यहां पर बनेगी, इसको हम समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो आपके सामने है यहां पर ये हमने ली इसकी टेंजेंट की लंबाई, हमने यहाँ पर रफली हम नापेंगे। ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा इसको नीचे कर लूँगा। हाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 यूनिट आ रही है अप्रोक्स यहाँ पर। अगर मैं इसी चीज़ को मैं ऊपर वाली इसको ये मैंने इसको यहाँ पर मेज़र किया, ये आ गई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट ये भी आ गई। तो ये तो प्रूफ हो गई बात कि अगर हम किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर बनाएंगे तो उनकी लंबाई बराबर होती है। सिर्फ यही नहीं आ गई, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट मान के भी टेंजेंट बना लूँ दो तो उनकी लेंथ भी बराबर ही आएगी। अब वो भी आप चेक कर लेना खुद से बना के। तो यही वे थ्योरम के लिए प्रूफ कर लिया। अब इसको लिख कर कैसे दिखाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर आप थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर देखिए ये ओ क्यू और ओ आर जो हैं ये दोनों तो रेडियस होंगी, तो आप इसको डॉट डॉट बना के दिखा देना, लिख भी देना कि भाई गिवन में ओ क्यू ओ आर जो है रेडियस है, ये सब आप लिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका लिखने वाला काम है वो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ कि भाई हमें सेंटर ओ वाला एक सर्कल दिया गया है जिसके अंदर जो टेंजेंट है पी क्यू पी आर है, पी से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ये रहा वो पी पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना है पी क्यू और पी आर मतलब ये बराबर, ये हमें प्रूफ करना है, सिंपल है जी। अब क्या करना है हमें, ये कंस्ट्रक्शन आ गई आपकी, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू, ओ पी और ओ क्यू जो रेडियस है उनको ज्वाइन कर देंगे और ओ आर यहाँ पे ये ओ आर ये तीनों यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शनल वाला पार्ट। अब आपको प्रूफ करना है, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको ओ क्यू पी और ओ आर पी या ओ पी आर या ओ पी क्यू कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। दो ट्राइंगल कौन कौन से, ओ क्यू पी और ओ आर पी, ये हम ट्राइंगल लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट कौन से ट्राइंगल होते हैं, जो हूबहू होते हैं, जिनका सब कुछ बराबर होता है। तो कैसे प्रूफ होगा, देखिए ओ क्यू बराबर ओ आर दोनों जो है वो रेडियस है सर्कल की, ये ओ आर और ये ओ क्यू दोनों क्या है रेडियस है तो बराबर होंगी, तो ये बराबर आ गई। ओ पी और ओ पी ये दोनों में कॉमन है, देखिए OP ये रहा दोनों में कॉमन है, दोनों में बेस है, दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, कॉमन लिख दिया ट्रायंगल। अब देखिए इसमें अभी जो पहले थ्योरम हमारी लगी वो थ्योरम क्या कहती है कि भाई रेडियस से जो टेंजेंट है वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 का एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री का एंगल इसमें भी है, दोनों में 90-90 का एक एंगल है। तो यहाँ पर हम कौन सी वो लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, क्राइटेरिया लगा रहे हैं हम RHS, मतलब एक राइट एंगल है एक हाइपोटेनस साइड, मतलब RHS से हमारा क्या होगा यहाँ पर एक एंगल भी कॉमन है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा फिर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ग्रेंट, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें दो साइड मिल और एक एंगल मिल गया। तो ये क्राइटेरिया हमने लगा लिया, कौन सा साइड एंगल साइड का लगेगा, क्योंकि दो हमारे पास साइड है और हमारे पास एक एंगल है, ये हमने लगा दिया। अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर हो गया। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुए तो इनका जो पी क्यू और पी आर था ये भी बराबर हो गया, और यही तो हमें साबित करना था, प्रूफ करना था कि भाई किसी भी टेंजेंट के अंदर
किसी भी सर्कल के अंदर जब हम एक बाहर से पॉइंट लेकर दो टेंजेंट बनाएंगे जो यहाँ पर पी क्यू और पी आर हैं वो बराबर होंगी, ये रही बराबर, ऐसा हमने प्रूफ कर लिया। दूसरा तरीका भी है इसका प्रूफ करने का, आप यहाँ पर इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते थे कि ये दोनों ट्राइंगल लेते, यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते, यहाँ पर जैसे इन्होंने लगा के दे रखी है और वहाँ से भी ये बात प्रूफ हो जाती क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ले सकती है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ऐसे आपको इसको प्रूफ करना है, सिंपल है, जब हमने तो करके देखा है और हमने ये चीज़ चेक कर ली तो हमें ये आप माइंड में फिट हो चुकी है, ये दो थ्योरम आपकी आ सकती है अगर एग्जाम में पूछी जाएंगी तो, बस और थ्योरम नहीं है इसमें से। अब आइए फटाफट इसकी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं, उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस कैसे कैसे हम प्रूव करेंगे वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, वो सोच मैं आपको दूंगा ताकि आप एग्जाम में बैठकर कोई सा भी क्वेश्चन प्रूफ करने का आ जाए आप खुद से उसको प्रूफ कर सकें। आइए देखते हैं फटाफट 10.2 के पहले तीन सवाल जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। तो ऐसे 20 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे फाइनल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो, इस टाइप के सवाल भी आने आपको चाहिए। केस बेस्ड में भी आते हैं, आपको पता होगा केस बेस्ड वाला जो, उसमें भी इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर आपके पास इन क्वेश्चन 1, 2, 3 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको पता है हमको फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, पहला सवाल हम देख रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मैं इसको समझा देता हूं क्या ये सवाल हमसे कह रहा है। देखिए हमसे ये सवाल कुछ ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, सर्कल है और कहीं पर पॉइंट क्यू है, तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये आ गया जी सर्कल। अब क्या हुआ, इसी सर्कल से एक पॉइंट है क्यू, लेट्स सपोज क्यू यहां पर है, ये वो पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, इस टेंजेंट की स्पर्श रेखा की, तो एक स्पर्श रेखा हम बनाएंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो लंबाई कितनी है, वो लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर की है, ये हमसे कहा गया है। फिर हमसे कहा गया है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, इस क्यू का फासला सेंटर से कितना है 25, मतलब अगर यहां पर मैं सेंटर एज्यूम करूं तो यहां से यहां तक का ये जो पूरा इसका फासला है ये आपका कितना है 25 सेंटीमीटर का है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 25 सेंटीमीटर, ये हमको दे दिया गया, इसको सेंटर ओ नाम दे दिया मैंने और इसको मैंने लेट सपोज पी नाम दे दिया। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें इस सर्कल की त्रिज्या बतानी है, मतलब हमें क्या बताना है जी, हमें ये बताना है यहां से यहां तक ये कितना होगा, ये है रेडियस, ये हमको बतानी है। तो सिंपल है जेड, अगर आप देखेंगे यहां पर क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बन रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर इसके अंदर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बस सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू या पी ओ क्यू कुछ भी आप नाम दे देंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसको भी मैं थोड़ा सा इधर हट करता हूँ, इसको मैं लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेसिकली आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथा, और जो भी गिवन वाली चीज़ें हैं इसमें जो भी आपने नाम दिया है, लेट ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्यू पी इज़ द टेंजेंट और ये ओ क्यू हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेंजेंट का जो पॉइंट है क्यू, ये सब आप लिख देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम यह कहती है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, ये है खड़ी वाली साइड 24 सेंटीमीटर, तो यहां पर आप 24 का स्क्वायर निकाल लेंगे प्लस बेस कितना है, बेस ही तो हमें निकालना है, बेस ही तो रेडियस है, तो बेस को हम क्या लिख देंगे, ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू हाइपोटेनस हमारा 25 है, तो 25 का आप स्क्वायर लिख देंगे, ओपी का स्क्वायर हमें निकालना है तो ओपी का स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे, यहां पर 25 का स्क्वायर 625 होता है और ये 24 का स्क्वायर उधर आ गया माइनस का 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यहां पर हम 576 इसमें से माइनस कर देंगे और हम क्या देखेंगे, अब यहां पर OP हमें निकालना है तो OP का स्क्वायर हमारा कितना होगा, माइनस करेंगे यहां पर कितना जाएगा आपका 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा और ये आपका जाएगा 49 और OP हमारा आ जाएगा रूट का 49 और 49 का हम रूट निकालेंगे तो OP हमारा आ जाएगा 7, तो 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक ये जो OP है ये हमारा निकल के आ गया कितना 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। तो हम लास्ट में लिख भी देंगे देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल या वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, वो हमारी है 7 सेंटीमीटर जो ओपी है। ओपी से याद आया, आप लोग कमेंट में ओपी ओपी करते रहते हो, ओपी सर ओपी सर ओपी डी सर, क्या है ये ओपी, वो वाला ओपी क्या होता है मुझे कमेंट करके आप बताना। बाकी ये ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर है और ये हमें यहां पर क्लियर भी है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर हो चुका है, आप इसको
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो मर्जी आप इसमें कर सकते हैं और फिर इसके हम अगले ऑप्शंस जो है हम देख लेंगे। इसी का ऑप्शन टू अब हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर सवाल है कि इन फिगर 10.11 फिगर जो यहाँ पर हमें दी गई है इसके अंदर क्या दिया गया है, टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट। जो टीपी और टीक्यू जो है हमें दो टेंजेंट यहाँ पर नजर आ रही होंगी, एक ये टेंजेंट है आपकी, एक आपकी ये टेंजेंट है, दोनों आपकी स्पर्श रेखाएं हैं जो टी पॉइंट पर आपस में मिल रही हैं। हमसे क्या कहा गया है, सेंटर ओ है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री का है, 110 डिग्री। देन एंगल पी टी क्यू, तो ये वाला एंगल हमें बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा, समझ में आ रही है बात, वो छोटा वाला एंगल हमको बताना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जरा इस फिगर को ही बड़ा कर लूंगा, आप सब कुछ भूल जाइए, आप इस फिगर पर ध्यान दीजिए। तो ये फिगर है हमारे पास, ठीक है जी। अब देखिए क्या करना है हमको, निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा एंगल निकालना है हमको, ये एंगल निकालना है, ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वाला पी टी टी क्यू क्यू ओ और ओ पी, मतलब ये पी टी क्यू ओ, ये हमारे पास बन रहा है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल एफ, जो भी आप नाम दे सकते हो कुछ भी, उसके चारों एंगल का जो सम होता है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, वो क्या होता है, वो आपका 360 डिग्री होता है। ये बात बहुत छोटी सी बात है, यही चीज़ यहाँ पर लगानी है। ये 110 हमें दे रखी है, ये हमें निकालनी है, ये दोनों कितने होंगे ज़रा बताओ मुझे कमेंट करके आप फटाफट, कितने होंगे। जी हाँ, थ्योरम पढ़ाई थी ना अभी, कितने हैं, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि भाई रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो चार तीन एंगल हमें पता है, एक निकालना है, सिंपल लेजर, तीनों का सम करो, उसमें से माइनस करो, तो 110 का तो ये हो गया, 90 कितने हो गए, 180, तो 180 ये दोनों हो गए, और 110 आपका ये वाला हो गया, ये कितने हो गए आपके, 290 हो गए। 360 में से 290 आप माइनस कर दो, 360 माइनस 290 आपका आंसर आ जाएगा 70 डिग्री, सिंपल एज दैट, ये आपको करना था यहाँ पर। तो 70 डिग्री ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है क्या, हाँ जी ये दे रखा है 70 डिग्री इसका, अच्छा ऑप्शन दे रखा है ना, टिक करना था यहाँ पे, इसका टिक कर दो, इसका कितना आया था 7 आया था, तो इसका मैंने 7 टिक कर दिया। तो बस ये आपको करना था इस सवाल के अंदर, ये लो जी ये सवाल अलग आ गया, शेप अलग आ गई, और इसके आंसर जो है आप चूज कर सकते हैं, इसका 7 था और इसका जो है 70 डिग्री था, इस तरीके से कर लो। ऑप्शन 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका MCQ वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं साइड में हो गया हूँ, ये आप होमवर्क में ज़रूर करके आएंगे पूरा, बल्कि मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, आप देख लो, नोट कर लो आराम से, और इसको सब कुछ जो करना है कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कह सकता हूं, इस चैप्टर के अंदर से आने वाला हो सकता है। देखिए सवाल है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, कि अगर हम एक वृत्त के व्यास से दो स्पर्श रेखाएं बनाएं तो वो दोनों समांतर होंगी, वो दोनों पैरेलल होंगी, ये हमको बताना है। तो आइए पहले हम फिगर बनाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए एक सर्कल, ये मैंने यहां पर सर्कल बना लिया है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक डायमीटर भी बना लेते हैं। तो लेट सपोज फटाफट यहां पर आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी इसकी, ये यहां पर सीधी डायमीटर, ठीक है, ये इसके बीचों बीच में आ गई हमने। अब क्या करना है, दो टेंजेंट बनानी है, तो आइए फटाफट से ही हम दो टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक टेंजेंट बनाई जो इसको टच करती हुई गुजर रही है, और ये मैंने दूसरी टेंजेंट बना दी एक रफली आइडिया लेकर जो इसको टच करती हुई गुजर रही है, ये दो टेंजेंट आ गई। अब हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो हैं ये कैसी हैं, पैरेलल हैं। आइए इनको पहले नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस टेंजेंट को नाम दे दिया पी और क्यू का, को मैंने आगे निकाल दिया, ये हो गई PQ, और इसको मैंने नाम दे दिया XY का, आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। यहां पर ये इसका सेंटर O आ गया, और यहां पर PQ XY हो गया, और हम क्या नाम दें, यहां पे हम इसको A नाम दे देते हैं, इस जगह A और B का नाम दे देते हैं, ठीक है, A और B, ये हमने इसको नाम दे दिए हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा दोस्तों कि कैसे प्रूफ करेंगे, सवाल ये उठता है। तो देखिए प्रूफ करने का तो मसला ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले गिवन आप लिख देंगे सारा कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू एंड एक्स वाई आर द टेंजेंट्स जो कि हमारी टच होके गुजर रही हैं सर्कल से ऊपर, कहाँ कहाँ पर,
अच्छा मैंने दोनों को बी नाम दे दिया, तो ये है हमारा ए, इसको दोबारा से थोड़ा सा हम करेंगे, ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए और बी पॉइंट पर टच करके गुजर रही हैं। अब देखिए क्या क्या हम कर सकते हैं, हमें ये पता है कि यहाँ पर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, ये बात हमें पता है ना, हमने थ्योरम में सीख रखी, हमने करके भी देख लिया, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा ये कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो यहां पर देखिए एक्स वाई जो है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है हमारा ओबी, ओबी जो है ये रेडियस है और ये परपेंडिकुलर है। अब यहां पर अगर मैं देखूं ये रेडियस है, अगर इसको मैं और आगे तक बढ़ाऊं तो ये पूरा डायमीटर भी तो परपेंडिकुलर होगा, होगा या नहीं होगा आप खुद बताओ भाई, ये रेडियस परपेंडिकुलर है, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम डायमीटर तक पहुंच गए, ऊपर तक पहुंच गए, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि यहां पर ए बी जो होगा, जो ए बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर, ये बात मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, जब ओ बी परपेंडिकुलर तो ए बी पूरा ही परपेंडिकुलर होगा, खड़ी लाइन है इस एक्स वाई के ऊपर, ये मैं कह सकता हूं पॉइंट वन, इसको मैं बोल सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं देखूं ऊपर से इस PQ के ऊपर जो रेडियस है AO, ये परपेंडिकुलर है यहां पर, इसी तरीके से AO जब परपेंडिकुलर है तो पूरा AB मतलब पूरा डायमीटर भी तो खड़ा ही होगा ना, जब सीधी लाइन जा रही है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि AB ही परपेंडिकुलर है इधर से PQ के ऊपर भी, ये मैंने यहां पर एक निष्कर्ष निकाल लिया है, कंक्लूजन यहां से निकाल लिया है, दो बातें। अब देखिए यहाँ से प्रूफ करने का तरीका ये होगा मेरे दोस्तों, एक ट्राइंगल चैप्टर जब हमने पढ़ा था लाइंस वाला, उसमें लाइंस पढ़ी थी हमने, वहाँ पर एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे, मतलब जिसको मैं जेड वाले एंगल बोलता था, अगर आपने वीडियो देखी होगी याद होगा जेड वाले एंगल, वैसे इनका नाम होता है अल्टरनेट एंगल, तो ये अल्टरनेट एंगल जो हैं ये बराबर होते हैं, जब कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ड्रॉ करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इसी इसको अगर हम उल्टा समझें तो उल्टा क्या होगा कि जब एक लाइन किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे और उसके ये जो अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये इसकी उल्टी बात हो गई, तो यही चीज हमें यहां फॉलो करनी है। अब देखिए यहां पर हम मानेंगे PQ और XY जो है वो दोनों लाइंस हैं, तो PQ XY को AB जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे PQ एंड XY आर द टू लाइंस, ये आर टू लाइंस, ठीक है, आर टू लाइंस विच इज इंटरसेक्टेड बाय विच इज विच आर आएगा बल्कि विच आर इंटरसेक्टेड बाय विच आर इंटरसेक्टेड बाय किसके द्वारा काटी जा रही है, एक लाइन के द्वारा काटी जा रही है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, बाय डायमीटर ए बी या लाइन ए बी आप लिख सकते हैं, वैसे तो डायमीटर है तो डायमीटर लिख रहा हूं मैं, बाय डायमीटर ए बी। अब ऐसा काटने पर क्या होगा, तो यहां पर हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल बना है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर बनाती है टेंजेंट पे, सेम यही यहां पर भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना होगा इधर भी और इधर भी, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस क्या करती है परपेंडिकुलर बनाती है। तो मेरे दोस्तों जब एक दो लाइनों को एक लाइन ने कट किया आपस में और एंगल जो है वो बराबर आ गया, कौन सा एंगल यहां पे बराबर आएगा, एक्स बी ए, एंगल एक्स बी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा कहलाएगा, इधर से आपको कहलाएगा बी ए क्यू, ठीक है, बी ए क्यू। तो ये जब दो एंगल आपस में बराबर हुआ है, कौन से एंगल है ये, रीजन भी दे देना आप, ये है अल्टरनेट एंगल, तो यहां पर मैंने इसका रीजन भी दे दिया भाई क्यों बराबर है ये, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है और हमें यह भी पता है कि थ्योरम की वजह से 90 डिग्री बन रहा है, तो देयरफॉर जब दो लाइनों को एक लाइन ने कट किया और अल्टरनेट एंगल्स बराबर आ गए तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ऐसे आपको ही प्रूफ करना है। तो क्योंकि ये हो गया तो देयरफॉर कौन कौन सी लाइन थी हमारे पास, पी क्यू एंड आपकी कौन सी है एक्स वाई आर पैरेलल, ठीक है, ये दोनों लाइन जो हैं वो आपस में पैरेलल हो जाएंगी, हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे, ये हमारा हो गया, ऐसे आपको ये प्रूफ करना था, थोड़ा सोचने का काम था इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। किस तरीके से हम प्रूफ करा है, हमने प्रूफ करके हम लाए हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि भैया यहाँ पर दो लाइन थी, ये परपेंडिकुलर इस पर है उस लाइन पर, ये परपेंडिकुलर, इन दोनों को हमने रखा, इनके अकॉर्डिंग हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि भैया क्या है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना, तो इसकी वजह से
ये अल्टरनेट एंगल हो गए, क्योंकि जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर दे उन दोनों को ही, और अगर अल्टरनेट एंगल बराबर आ जाए तो फिर वो दोनों लाइनें आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती है, जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। वही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने इस बात को साबित कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, आपके स्कूल टीचर ने जिस तरीके से इसको प्रूफ करवाया है, जिस तरीके से लिखवाया है, आप उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये आइडिया दिया है कि कैसे इसको प्रूफ करना है हमको, लेकिन तरीका वही फॉलो करना जो आपके स्कूल टीचर आपको बताए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए, नंबर कट जाए फाइनल एग्जाम में, तो मुझे ही बहुत बुरा फील होगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो स्कूल टीचर बताए, जिस तरह से उन्होंने लिखवाया है, समझा तो दिया ना मैंने, जैसे उन्होंने लिखवाया उनका कहना आप मान लो, ठीक है जी। आइए इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, इसके तो ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है जैसे मैंने पहला सवाल इसका कराया था। एक ट्राइंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर लेकर आओ, सिंपल एज दैट। यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है यहाँ पर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल हैं जिनका सेंटर एक ही है, मतलब एक ही केंद्र से बने हुए दो वृत्त यहाँ पर हैं हमारे पास। आर ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, उनकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। आइए बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले एक सर्कल में ड्रॉ करूंगा, ये आपके सामने एक सर्कल आ गया, और फिर दो हैं, एक के अंदर एक है, तो ये मैंने दूसरा यहाँ पर बना दिया, इसके बिल्कुल बीचों बीच में हम इसको कर देंगे, ठीक है। ये दो सर्कल हैं जिनकी जो सेंटर है वो सेम सेंटर है यहाँ पर बीच में। बात करूंगा अगर इस छोटे वाले की, तो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की रेडियस की अगर बात करूंगा यहां से यहां तक की, ये बड़े की पूरी आएगी, तो ये है आपकी पूरी 5 सेंटीमीटर, ये हमसे कहा गया है। आगे हमसे कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, एक जीवा एक कॉर्ड बन रही है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड इस तरीके से बनती हुई जा रही है कि वो लार्जर बड़े वाले वृत्त से बनी है लेकिन छोटे वाले को टच करती हुई गुजर रही है, तो वो कुछ इस तरीके से बनी होगी। देखिए यहाँ से शुरू होगी, बड़े सर्कल से जा रही है और छोटे को टच करते हुए इस तरीके से वो गुजर रही है, तो ये कॉर्ड यहाँ पर बनी है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर पूरी फिगर बन के आ चुकी है। करना क्या है हमको, हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ, तो इसी की लेंथ निकालनी है हमें, ये जो हमें दिया गया है। तो आइए फटाफट इसका नामकरण कर देते हैं पहले। तो यहां पर सेंटर का नाम मैंने O दे दिया, इसका नाम मैंने P दे दिया, और आपके पास क्या बचा, एक मिनट, ये आपका O हो गया, ये P हो गया, इसको नाम A दे देते हैं, इसको नाम B दे देते हैं। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, सिंपल एज दैट। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है ए बी की लेंथ कितनी होगी, ये हमको निकालना है। देखिए बहुत आसान है, वैसे तो समझ ही चुके होंगे आप। यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक ट्राइंगल बनता हुआ, और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि जब ये लाइन इस छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई गुजर रही है और ये OP इसकी रेडियस है, तो वही बात आ गई, वही थ्योरम आ गई कि जब एक पॉइंट पर सर्कल के टच करती हुई कोई टेंजेंट गुजरेगी तो रेडियस पर परपेंडिकुलर बनाती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का ही एंगल आएगा। तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और उससे क्या होगा, उससे ये AP निकल के आ जाएगा, A से लेकर P तक फासला डिस्टेंस दूरी, और जब इस AP को हम डबल कर देंगे तो PB आ जाएगा। अब एक सवाल और उठता है यहां पर कि हम डबल क्यों करेंगे, क्या ये जो टच कर रही है ये बिल्कुल बीचों बीच में कट कर रही है, बिल्कुल बीचों बीच में टच कर रही है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम रेडियस यहां से सेंटर से कोई भी अगर हम एक वो डालेंगे, एक कोड बनाएंगे और हम रेडियस से टच कराएंगे उस कोड को, तो वो कोड हमेशा दो पार्ट में ही बटेगा। ये एक प्रॉपर्टी है कि हम कोई भी एक सर्कल लें, हम कोई भी एक सर्कल लें, लेट सपोज उसके अंदर उसके सेंट कोई कहीं पर भी कोड है, यहाँ पर ये कोड बना दी हमने, तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो उस कोड को आधा आधा ही काटेगा, ठीक है। कहीं पर भी आप यहां पर कोड बनाएंगे, रेडियस से परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, तो ये आधा आधा ही कट करेगा, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एज दैट ये प्रॉपर्टी लिखेंगे कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आ
फ्रॉम सेंटर, कि अगर हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे कोड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट द कोड ऑफ द गिवन सर्कल, ये हमें ध्यान रखना है। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, पता है कि आधा आधा भी हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए पी ओ, ए पी ओ ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम आपको पता है बहुत अच्छे से क्या कहती है, कि भाई हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड जो कि 5-5 का स्क्वायर, में डायरेक्ट लिखूंगा 25 हो जाएगा। परपेंडिकुलर एपी हमें निकालना है, तो एपी का मैंने यहाँ पर एपी का स्क्वायर लिख दिया, ये लीजिए जी। बेस कितना है, बेस है इसका 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। एपी का स्क्वायर यहाँ पर छोड़ूंगा मैं, ये जो 9 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 कर दूंगा, 25 में से 9 जाएंगे 16 बचेंगे, ये आपका एपी का स्क्वायर आ जाएगा। और जब स्क्वायर हटाऊंगा, खाली एपी निकालना है, तो फिर यहाँ पे इसका रूट लग जाएगा इस तरीके से, जो कि आपका होगा 4। तो एपी 4 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का ये 4 आ गया। अब हमें पता है भाई एबी जो है पूरी, एबी पूरी क्या है, वो एपी की डबल है, तो 2 एपी कर देंगे। एबी हमें निकालनी है ना, तो एबी इज इक्वल टू 2 × 4 और इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम सब कुछ लिख देंगे फाइनल आंसर अपना, कि देयरफोर एबी जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो चुका है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये आपको इस तरीके से करना था, सारा खेल वही थ्योरम का है जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो थ्योरम 10.1 और 10.2, ये दो बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बाकी सारी पुरानी बातें यूज हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई, ये बाइसेक्टर वाली जो थ्योरम हुई पुराने चैप्टर में पढ़ी थी हमने, वो यूज हुई। तो वही चीजें हैं, नया कुछ भी यहां पर नहीं आ रहा है, यही चीजें आपको यूज में करनी है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, तरीका आपका रहेगा, सारा गिवन कंस्ट्रक्शन प्रूफ सॉल्यूशन वो सब आप लिखकर ही करेंगे। ये मैं बार बार आपको जता देता हूं, ऐसा ना हो कि मैंने ऐसा लिखवाया, आपने सर डियर सर ने लिखवाया है, एग्जाम में आप भी ऐसे लिख के आ गए, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना कायदे से तरीके से प्रॉपरली वो आपका काम है, तो वो आप जरूर करेंगे। अपना काम अपने एंड पर आप पूरा करें, मैं अपना काम अपने एंड पर पूरा कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, आप अपना काम पूरा करें। ठीक है जी, चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। दोस्तों जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है वो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है, जिसमें मैंने आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें मैंने वो कवर कर रखा है, तो वो वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। अभी मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9, काफी लंबा चौड़ा सवाल है। यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि इन फिगर 10.13 xy एंड xy xz x-y- आर टू पैरेलल टेंजेंट, दो टेंजेंट है यहां पर, ये एक xy है और एक x-y- है यहां पर, ये रही। आगे कहा गया है ये सर्कल की टेंजेंट है, सेंटर O है हमारे पास और ये हमारे पास ये सब चीजें हैं। क्या साबित करना है, मुद्दे की बात पे आओ ना, तो हमको प्रूफ ये करना है कि क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री का है, ये साबित करना। एंगल AOB है कहाँ पर, ये रहा एंगल AOB, मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये 90 डिग्री का है, हमको ये प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, सवाल ये उठता है, तो आइए शुरू करते हैं, देखिए किस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले ये एंगल प्रूफ करना है ना, तो यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्शन ये कर लूँगा, अगर मैं इस OC को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर छोटे छोटे से ट्राइंगल बन जाएंगे, जिनको हम आपस में सिमिलर या कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके फिर बराबर ले आएंगे, बराबर ला के कुछ करेंगे। रास्ता दिख तो रहा है लेकिन हाँ पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है हमें, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारी वो थ्योरम काम आएगी, थ्योरम ये कहती है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनी गई जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, ये हमारी थ्योरम जो है दूसरी वाली वो यहाँ पर हमें यूज करनी है, तो ये हमें पता है। तो हम वही बात यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टेंजेंट जो है वो r इक्वल होती है, वो इक्वल होती है, ये हमको पता है। तो इससे क्या होगा, तो वो थ्योरम थी आई थिंक थ्योरम 10.2, तो वो भी जो भी थ्योरम थी वो आप लिखेंगे बाय थ्योरम, या उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन भी कर देंगे उस थ्योरम को कि वो थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, तो बाय थ्योरम उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग बात ये है कि अब ये ए पॉइंट से देखिए यहां से ये टेंजेंट बनी है, तो ये एपी और AC ये बराबर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर AP और AC जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा, तो AP इक्वल टू AC। ठीक है, ये क्या है, दोनों टेंजेंट है बराबर है। अब अगर मैं देखूं इसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल APO में और ट्राइंगल CAO में, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, APO या AOP कुछ भी नाम दे सकते हो आप, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, ठीक है, ACO
इन दोनों ट्राइंगल में APO में और ACO के अंदर हमें यहाँ पर AP और AC बराबर हैं, दोनों टेंजेंट हैं। ये दोनों क्या है जी, टेंजेंट हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ये टेंजेंट हो गई। आगे हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। AO और AO ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर AO इक्वल टू AO ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन साइड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन। और क्या कुछ दिख रहा है हमें, और हमें ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, और हमें यहाँ पर कॉमन दिख रहा है OP और OC, ये दोनों की रेडियस है, त्रिज्या है तो बराबर होगी, तो यहाँ पर OP इक्वल टू OC ये क्या है जी, ये आपकी रेडियस हो गई। तो ये इतना काम हो गया, आप तीन चीज़ें हमें मिल गई बराबर, एग्जैक्ट बराबर मिल गई। तो यहाँ पर इसकी मदद से क्या हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल APO जो है वो आपका कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACO के। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए हूबहू एक जैसे, तो इनका सब कुछ बराबर हो गया, तो इनका ये वाला एंगल PAO और एंगल CAO ये एंगल क्या हो गए, ये एंगल इनके बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ देयरफॉर, अब क्या होगा, नाउ लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इनका जो एंगल है एंगल PAO, ठीक है, इनका एंगल PAO बराबर हो गया एंगल CAO के, ये अब इनका बराबर हो चुका है एंगल PAO और एंगल CAO, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर मैं बताऊं तो ये बराबर है। अब क्या कर सकते हैं हम, यहां पर ये भी कर सकते हैं कि एंगल PAC, अगर मैं यहाँ पर लूँ एंगल PAC, ये PAC क्या है, ये PAC है पूरा PAC, ये पूरा जो एंगल होगा ये इस एंगल का डबल हो जाएगा एंगल CAOA का, CAO का डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बराबर हैं आपस में। तो ये पूरा एंगल अगर मैं लूँ, ये पूरा एंगल क्या होगा भाई, अगर मैं इसका डबल कर दूँ, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये पूरा एंगल ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल PAC जो है वो बराबर होगा एंगल डबल एंगल के CAO के। ये हम यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से सेम यही चीज़ करके हम जब नीचे वाले ट्राइंगलों में सेम यही चीज़ करेंगे तो यही चीज़ निकल के आएगी, वहाँ पर भी एट लास्ट क्या निकल के आएगा, वहाँ पर भी आपका एट लास्ट ये निकल के आएगा। इस तरीके से मैं लिख दूंगा इसको कि एंगल कौन कौन सा बनेगा आपका QBC, जो एंगल QBC होगा QBC, ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल होगा, ये वाला मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा पूरा, ये पूरा एंगल क्या होगा, इस वाले का डबल हो जाएगा। तो एंगल QBC बराबर होगा आपका, ये आपका बराबर होगा QBC डबल एंगल CBO के, डबल एंगल CBO, तो यहाँ पर इसको हम सेकंड बोल देंगे, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप बात समझिए, यहाँ पर बात समझने की ये है कि जो QBC है और PAC है, ये जो एंगल है दोनों, एंगल PAC प्लस एंगल, थोड़ा उठा के चलाना पड़ेगा इसको, प्लस एंगल QBC, ये दोनों जो होंगे ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे जी, एक प्रॉपर्टी और आपके सामने आ चुकी है, नई नया क्वेश्चन जब आएगा ना, जब भी मजा आएगा, तो यहाँ पर नई चीज़ क्या सीख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है अलग से कि जब दो पैरेलल लाइन हैं, तीसरी लाइन उनको ऐसे करके कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल बनते हैं अंदर ही अंदर, ये वाले, ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ट्रांसवर्सल एंगल इनको बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इसी तरीके से इधर ये जो अंदर एंगल बने, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इनको देखूँ, एंगल PAC और QBC को, तो देखिए QBC ये रहा यहाँ पर, ये रहा, और PAC ये रहा, तो ये भी तो कहीं ना कहीं इस लाइन के द्वारा इंटरसेक्ट करके अंदर बने हैं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। लेकिन इनकी जगह PAC की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 एंगल CAO, और इस QBC की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2 एंगल CBO, ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये मेरा 180 डिग्री है ही, दोनों में 2 कॉमन है, जब 2 मैं बाहर निकालूंगा और फिर उसको मैं उधर ले जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में आएगा बाहर कॉमन निकल के, फिर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 को डिवाइड कर देगा, तो इधर रह जाएगा आपके पास एंगल CAO
प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास ये 90 डिग्री बचा रह जाएगा। अब देखिए मुद्दे की बात, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ मतलब कि ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल सी ए ओ, और दूसरा कौन सा आपका सी बी ओ। सी बी ओ कहाँ पर है? ये रहा सी बी ओ। ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के हैं। और अगर मैं बात करूँ अब इस ट्राइंगल की, मेन ट्राइंगल की, इस वाले की, अगर मैं इसकी बात करूँगा अब, तो इसमें ये दोनों मिलके तो 90 डिग्री के हैं भाई, ये दोनों मिलके, और हमें निकालना ये वाला है, बल्कि प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर उसकी जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर आप करेंगे कि नाउ इन ट्राइंगल कौन सा है, ये ए ओ बी के अंदर हमारे पास एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ये ए ओ बी किसके बराबर आएगा? या आप ऐसे कर लो, इसको बराबर मत मानो, एंगल ए ओ बी प्लस ये जो दो एंगल हमारे हैं सी ए ओ और सी बी ओ, ठीक है, सी एंगल सी, क्या नाम है इसका, एंगल सी ओ ए, सी ए ओ प्लस का है एंगल सी बी ओ, ये तीनों मिलके आपके हो जाएंगे 180 डिग्री के। अब एंगल ए ओ बी ये जो है ये तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन ये दोनों कितने हैं, ये दोनों 90 के हैं, सी ए ओ और सी बी ओ दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो सी ए ओ सी बी ओ बराबर दोनों 90 डिग्री के हैं, इनकी जगह दोनों की जगह 90 आएगा, यहाँ पे इक्वल 180 आएगा, और एंगल ए ओ बी जो है इस तरीके से 180 यहाँ पर है। जब ये 90 माइनस होगा 180 में से, तो आपको पता ही क्या रहने वाला है बच के, क्या वाला है, तो एंगल AOB बराबर आपका 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमको प्रूफ करना था। फाइनली बहुत देर बाद हमारा प्रूफ निकल के आ चुका है, हैंस प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल AOB बराबर 90 डिग्री का है। तो ये था एक लंबा चौड़ा काफ़ी अच्छा सवाल, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें नई नई आई। एक ट्रांसवर्सल वाली चीज़ आई कि भैया जब दो लाइनों को ऐसे लाइन कट कर दो, जो अंदर जो एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं, और वो कैसे होते हैं, उनका सम 180 होता है। तो वो थ्योरम, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करी है हमने इस जगह पर, ये आप ध्यान रखना। किस तरीके से इनको मैं लाया हूँ ये ध्यान रखना। जो भी चीज़ें हमें गिवन दे रखी हैं जो सवाल में होंगी, ये वाला तो लेट एक्स, ये वी आर गिवन दैट, ऐसे लिखना आप, वी आर गिवन दैट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द टू पैरेलल लाइन्स, ये आ गया, सेंटर ओ है हमारे पास, इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। इस तरीके से जो प्रूफ करना था वो हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री का है। नोट कर लीजिए, ऐसे लंबे लंबे सवाल ही आपके आ सकते हैं, इसको एक बार और ध्यान से रोक के वीडियो को समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीज इसके अंदर होगी। ठीक है जी, आइए कुछ और क्वेश्चन इसके हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसका फटाफट। यहां पर सवाल है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट on the contact of the center। क्या कहा गया है, आइए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने बहुत ही गोल एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी, ये हमने बना लिया। हमसे कहा गया है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाहर बिंदु, बाहरी बिंदु, बाहर कहीं पर एक पॉइंट है, तो आइए बाहर कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं। तो लेट सपोज कहाँ पर हम पॉइंट लें, एक काम करते हैं पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर थोड़ी जगह भी मिल जाएगी हमें क्वेश्चन करने की। तो अब हम एक पॉइंट ले लेंगे बाहर, लेट सपोज यहाँ मैंने वो पॉइंट ले लिया। अब क्या होगा, इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई हैं, तो आइए ये मैंने पॉइंट पे उंगली रखी, ये मैंने बनाई एक टेंजेंट, और इसी पॉइंट पे उंगली रखकर ये मैंने बना ली दूसरी टेंजेंट, ये मैंने दो टेंजेंट बना ली हैं। अब हमसे क्या कहा गया है कि आगे क्या कहा गया, आगे तो कुछ और कहा ही नहीं गया हमसे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाया गया है ये वाला एंगल। ये एंगल क्या है जी, इज सप्लीमेंटरी, ये सप्लीमेंटरी है, किसके सप्लीमेंटरी है, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो जहां पर इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, जहां पर ये दोनों आपस में मिल रही हैं, इसको जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो यहां से ये जो एंगल बनेगा इस जगह सेंटर पर, तो इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंटेरी है ये,
ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको बताना है। समझ में आ गया क्या बताना है? कि भैया ये वाला एंगल, ये जो यहाँ बन रहा है, और ये एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंटरी है। अब सप्लीमेंटरी सर बोले जा रहे हो, क्या होता है सप्लीमेंटरी? सप्लीमेंटरी एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं कि जिनका जोड़, जिनका सम 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री का होता है, वो एंगल आपके सप्लीमेंटरी एंगल बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस एंगल का और इस एंगल का जो जोड़ है वो 180 डिग्री आएगा। हमें लाना है, इनफैक्ट बताना है, ये हमको प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात? आइए इसको नाम दे देते हैं। तो सेंटर को हम हमेशा की तरह ओ नाम दे देंगे, इसको ए नाम दे देंगे, इस पॉइंट को बी नाम दे देंगे, इस पॉइंट को पी नाम दे देंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ में आपको बता दूं जो हमें टू प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं आप लिख दूंगा टू प्रूफ, डायरेक्ट टू प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना है वो मेरे दोस्तों ये है कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, प्लस का एंगल ए ओ बी, ये दोनों एंगल्स का जो जोड़ है, सम है, वो 180 डिग्री है। इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिखूंगा मैं, जो सम है वो 180 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। सिंपल एज दैट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अब आइए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, हमको ये पता है कि जब एक टेंजेंट से हम यहाँ पर रेडियस खड़ी करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, ये बात हमें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है जी, चलिए हम एक काम ये कर सकते हैं। बल्कि देखिए, आपको हो सकता है इस सवाल को करने के दो तीन तरीके हैं। आपके टीचर ने कौन से तरीके से इसको प्रूफ करवाया है मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा, आप चेक कर लेना, मैं लेकिन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कई एक तरीका तो ये है, तरीका नंबर वन की बात करूँ, मैं यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा। यहाँ पर फिर मैं देखूंगा कि दो ट्राइंगल बन गए हैं, इन दोनों ट्राइंगल को मैं आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री का एंगल मुझे दोनों में मिल जाएगा, रेडियस दोनों में बराबर मिल जाएगी, और ये कॉमन है ही, तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे, हूबहू बराबर आ जाएंगे। जब ये बराबर आ जाएंगे तो इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा, इसी तरीके से इनका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएगा, ये इनका बराबर आ जाएगा। ये एंगल इसका डबल हम कह सकेंगे, और इस आधे एंगल को इसका डबल हम कह सकेंगे। इस तरीके से उसको रखकर जब डबल रखेंगे हम, और फिर हम ये दिखाएंगे भाई ये 90 डिग्री है, एंगल का सम जो है वो 180 होता है, वहाँ से हम प्रूफ कर देंगे। एक तरीका ये है, ये तरीका आपके टीचर ने हो सकता करवा रखा हो, चेक करना ना अगर आप करवा रखा हो तो। दूसरा तरीका जो मैं सोच सकता हूँ वो होगा, वो ये हो सकता है, देखिए मैं एंगल या ट्राइंगल में जा ही नहीं रहा, मैं नहीं जा रहा इसमें से किसी में भी, मैं इन सबको हटा देता, बल्कि इन सबको क्यों हटाऊंगा मैं, इसको मैं हटाता हूं, क्या क्या हटेगा, ये हटेगा, सब हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, मैं इनफैक्ट ये लाइन भी हटा देता हूं दोस्तों, ये जो लाइन है ये बीच वाली, ये लाइन भी मैं हटा देता हूं, ये गई चल। ठीक है, अब यहां पर मैं ये देखूंगा, क्या देखूंगा, मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि एक चतुर्भुज बन गया है, क्वाड्रिलेटरल बन गया है। यहां पर देखिए, ये देखिए ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, ए ओ, फिर ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो ये यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मुझे बना हुआ दिख रहा है। और मुझे ये पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, 180 ट्राइंगल का होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन अ क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, इसकी मैं बात करूँगा तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल कौन कौन सा है बी और प्लस एंगल पी, ये सबका जो सम आएगा वो 360 डिग्री आएगा, ये मुझे पता है। अब यहाँ पर एंगल ए की और एंगल बी की मैं बात करूँ तो एंगल ए 90 डिग्री का होगा और एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का होगा। अब ये दोनों 90 डिग्री के क्यों होंगे, ये भी आपको थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा। और ये कैसे मेंशन करेंगे आप, ये आप ऐसे मेंशन करेंगे थ्योरम से, जो थ्योरम हमने पढ़ी है कि भैया थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि एक टेंजेंट एक रेडियस परपेंडिकुलर बनती है, 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ये वहाँ से प्रूफ कर देंगे। मतलब इसका रीज़न हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, थ्योरम 10.1 इस तरीके से आप लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। और उसको और अच्छे तरीके से सवाल को दिखा रहा तो थ्योरम मेंशन भी कर देना, भाई थ्योरम क्या कहती है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, इस तरह से जो भी चीज़ है वो लिख देना आप। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, एंगल ओ,
प्लस एंगल पी, इनका तो नहीं पता, ये 90-90 कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए, बराबर 360 डिग्री, ये आ गया जी। एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री इधर था, ये 180 प्लस का है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 में से 180 माइनस करेंगे, 180 डिग्री बचेगा। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम कुछ नहीं करेंगे, आपका सवाल हो चुका है, हैंस प्रूव्ड, हम लिख देंगे सिंपल एज दैट। कैसे कर दिया सर आपने ये अचानक से, देखिए कमाल ये हुआ कि यहाँ पर क्या निकल के आया, एंगल ओ, एंगल ओ निकल के आया और एंगल पी। अब एंगल ओ कहाँ है, एंगल ओ आपका ये रहा, एंगल पी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों को साबित करोगे सप्लीमेंट्री है, देखिए प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट के बिटवीन बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो बाहर के पॉइंट से बनाया गया है टू अ सर्कल, इज सप्लीमेंटेरी, वो सप्लीमेंटेरी है, ठीक है, मतलब वो जुड़ के 180 होगा, किससे होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने पर, जोड़ने पर, कहाँ पर, एट द सेंटर, सेंटर पर। तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब हमने लाकर जोड़ा सर्कल पर, तो यहाँ सेंटर पर, तो ये एंगल बना, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंटेरी हैं, यही बात तो यहाँ पर हमने दिखाई है कि एंगल ओ ये रहा, एंगल पी ये रहा, कि ये दोनों सप्लीमेंटेरी है, हैंस प्रूफ। तो ये मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व कर दिया, वो भी तरीका था प्रूफ करने का, एक ये तरीका है जो आपको आसान लगे, जो आपके टीचर ने करवा रखा हो, चेक करना आप जरा अपनी नोटबुक खोलना, देखना कौन सा तरीके से करवा रखा है, इससे करवा रखा है, दूसरे से करवा रखा है, दोनों ही तरीके सही है, दोनों पे पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप सब कुछ लिखकर आएंगे, सॉल्व करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने यहां पर ये कर लिया है, नोट करना है नोट कर लीजिए, चेक भी कर लीजिए, लगे हाथ तो भी आपके टीचर ने कैसे करवाया मुझे कमेंट करके बता भी देना, ठीक है जी। गलत कोई सा भी नहीं है, दोनों तरीके सही है, ये बात ध्यान रखना, ये मत सोचना सर आपने अलग करवा दिया, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड ऑफ द चैप्टर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 प्रूफ करने का है। इससे पहले एक रोमबुस वाला भी है, वो बिल्कुल उसी की तरह है जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया है, सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं है, वही चीज है, और मैंने पिछले वाले सवाल जो पिछली वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें वो करवा रखा है, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंटरी एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कुछ भी नहीं दिया गया ना, कुछ समझ में आया आपके, मुझे पता है। देखिए कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर ना क्या दिया गया है, हमें एक सर्कल है वो अंदर बना हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज के अंदर। तो पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल रफली ड्रॉ कर लूँगा, ये मैंने बना लिया, क्वाड्रिलेटरल आ गया बन के, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो इसके अंदर हम सर्कल बनाएंगे, तो ये मैंने सर्कल बनाया और इसको हम बड़ा करेंगे, तो सर्कमस्क्राइब वर्ड ये मतलब उसकी जो साइड्स हैं वो आपस में टच कर रही हैं, तो इसकी साइड्स को इसलिए मैं यहाँ पर टच करवा देता हूँ, सो देट हमारी जो फिगर है एग्जैक्ट आ जाए बनके। तो ये कुछ कुछ साइड्स जो हैं दोस्तों टच हो चुकी हैं हमारी, ठीक है, इसको ये लीजिए, ये साइड हमारी यहाँ पर टच कर दी गई हैं मेरे द्वारा, ये आ गई। ऑल राइट, इस तरीके की कोई फिगर है कि एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ हमें करना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स है मतलब आमने सामने की साइड्स है। तो पहले कुछ नाम दे देते हैं इनको हम, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। तो इसको मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, और इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया। इसकी जो अपोजिट साइड्स है मतलब ए बी के अपोजिट है सी डी, इसी तरीके से बी सी के अपोजिट सामने है ए डी, ये अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर की अगर हम बात करें और इसको सबटेंड करें इस तरीके से, इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ, इसको मैं यहाँ जोड़ दूँ, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ, और इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, तो ये जो यहाँ पर सर्कल पर जो एंगल बना रही है इस जगह, ये एंगल बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से इधर वाला ये एंगल इसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। समझ में आ गई बात। तो टू प्रूफ क्या करना है, पहले मैं लिखवा देता हूँ, टू प्रूफ हमें ये करना है, क्या करना है जी, लिखवा देता हूँ मैं एंगल के नाम। टू प्रूफ हमें ये करना है कि एंगल ए ओ, इसको इसका नाम क्या है भाई, सेंटर का नाम दे देते हैं हम ओ। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है अब एंगल ए ओ बी,
एंगल ए ओ बी प्लस कौन सा एंगल, ऊपर वाला एंगल ओ सी डी या सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, एंगल सी एंगल एंगल सी ओ डी, ये दोनों बराबर हैं 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंटेरी है, मैंने आपको बताया था पिछले सवाल के अंदर। इसी तरीके से एंगल कौन कौन सा आएगा, बी ओ सी इधर से आएगा, इसी तरीके से एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल भी कितने बराबर होंगे आपके, 180 डिग्री के बराबर होंगे, ये हमको करना है प्रूफ। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जरा सी, सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं, देखिए क्या हम करेंगे, क्या करेंगे, एक तरीका यह कि देखिए अगर मैं यहाँ पर रेडियस बनाऊँ इस तरीके से कि जहाँ पर ये टेंजेंट जो है यहाँ पर टच कर रही है, ऐसे यहाँ रेडियस बनाऊँ, ऐसे यहाँ रेडियस बनाऊँ, ऐसे ही यहाँ रेडियस बनाऊँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अब देखिए एक प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड करा देता हूं मैं, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जाती हैं, जैसे कि यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट हो गया सी, तो इस सी पॉइंट से एक टेंजेंट आपकी यहां से यहां तक आ गई और दूसरी टेंजेंट यहां से यहां तक आ गई, और जब हम उस टेंजेंट के उस एक्सटर्नल पॉइंट को सीधा रेडियस से जोड़ दें, सीधा रेडियस से जोड़ दें, तो वो क्या करती है, वो ये करती है कि जो एंगल इधर उधर बनेंगे दोनों, वो दोनों एंगल इक्वल बनाती है या इक्वल कर देती है। तो जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई, अगर उस पॉइंट को सबटेंड कर दें, डायरेक्ट रेडियस से जोड़ दें, तो रेडियस पे यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, ये वाले एंगल ये बराबर बनेंगे, ये आपकी प्रॉपर्टी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं नाम देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन चुके हैं इस तरीके से, इसको हम थोड़ा सा आप नाम देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टेंजेंट ये है, तो यहाँ से मैं नाम देता हूँ, ये एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, ये एंगल सेवन, ये एंगल एट, ये हमारे पास आठ एंगल बन गए छोटे छोटे अंदर, ठीक है जी। एंगल वन और टू ये आपके बन रहे हैं इन दो टेंजेंट से, और ये सीधी अंदर जाके सर्कल यहाँ पे सेंटर में मिल रही है। थ्री और फोर बन रहे हैं इससे, यहाँ से ओ बी से। सिक्स और फाइव बन रहे हैं ओ सी से, और सेवन और एट बन रहे हैं ओ डी से, इस तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लिख भी देंगे आपकी वो थ्योरम यूज़ करते हुए आप, ठीक है, बाय थ्योरम। क्या कहती है वो थ्योरम, वो थ्योरम आपकी ये कहती है कि भैया जब भी एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनेगी और उस एक्सटर्नल पॉइंट को रेडियस से डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो वहाँ पर जो दूसरी रेडियस जो बनेगी जहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बन रही है, वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। अलग से थोड़ा सा समझा देता हूँ, टाइम लो आराम से, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, देखिए एक रफली इमेज बनाता हूँ मैं फिगर, ये मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने टेंजेंट बना दी, यहाँ से मैंने इसकी रेडियस बना दी, ये आ गई इस तरीके से, तो यहाँ तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, सिंपल एज दैट। लेकिन साथ साथ क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा इस तरीके से, तो ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं इसको वन और टू नाम दूंगा, तो वन बराबर टू होगा, ये कहती है एक थ्योरम, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप ध्यान रखना, ये बराबर आएगा। ऑलराइट, तो यही चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पर। अब जब ये बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एंगल एक और एंगल दो बराबर होगा। इस ओ सी वाली अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इन दोनों टेंजेंट की हम बात करें यहाँ पर, हालांकि इसको नाम नहीं दिए हमने इस जगह और इस जगह, लेकिन अगर हम इस ओ ई को देखें, यहाँ पर जो लाइन पूरी आ रही है जुड़ी हुई, एक और दो बराबर होंगे, तो यहाँ से हमारा बराबर होगा एंगल वन इक्वल टू, यहाँ से बराबर होगा हमारा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। इसी तरीके से थ्री और फोर बराबर हो जाएंगे, एंगल थ्री बराबर होगा एंगल चार के, एंगल फाइव बराबर होगा एंगल सिक्स के, और एंगल सेवन इक्वल टू एंगल एट। तो ये एंगल सारे बराबर होंगे इस तरीके से, सारे नहीं, जो जो मैंने लिख पाए। अब हम बात करेंगे सारे किसके बराबर होंगे, तो पूरी चक्री कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है, मतलब पूरा जो सर्कल है, पूरा जो ये राउंड है, ये वाला पूरा राउंड, ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, मतलब इन सारे एंगल का अगर हम सम कर दें तो वो 360 डिग्री आएगा। आइए कर देते हैं, तो फटाफट हम करने जा रहे हैं इन सारे एंगल का सम। तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ठीक है, प्लस में एंगल थ्री, प्लस में एंगल फोर, प्लस में एंगल फाइव, प्लस में एंगल सिक्स, प्लस में एंगल सेवन, और फिर प्लस में एंगल एट। तो सारे एंगल आपके आ गए 360 डिग्री, 360 डिग्री के।
अब देखिए, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर ये होगा मेरे दोस्तों, यहां पर एंगल 1 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब मैं इस 1 की जगह 2 रख सकता हूं या इस 2 की जगह 1 रख सकता हूं, सिंपल एज दैट। तो यहां पर अगर मैं 1 की जगह 2 रख दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2, ऐसा हो जाएगा ये। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों, अब 3 और 4 इक्वल है, यहां पर हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो मैं किसी भी एक की वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एंगल 3 को 3 लिखूंगा और मैं इस 4 को भी 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 और 4 बराबर है ना, तो रख दो, क्या दिक्कत है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हुए जाएंगे, आगे क्या करेंगे, 5 और 6 इक्वल है, तो हम किसी भी एक को चेंज कर देंगे, हम 5 को भी 6 लिख सकते हैं, और 6 तो 6 है ही हमारा। और बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों, फिर से हम क्या करेंगे, 7 और 8 भी इक्वल है, तो किसी को भी आपस में हम चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 7 को तो 7 ही रहने देंगे और इस 8 को भी चेंज करके 7 लिख देंगे, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका 360 डिग्री सारा। अब क्या होगा, कमाल ये होगा कि सारे दो दो हो गए, तो दो दो होगा भाई, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, तो हम इनका 2 कॉमन निकाल के बाहर ले लेंगे। तो 2 मैंने बाहर लिया, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया एंगल 2 एक बार रह गया, एंगल 3 एक बार रह गया, एंगल 6 एक बार रह गया, और एंगल 7 एक बार रह गया, क्योंकि एक बार के तो हमने सारे इनके बाहर निकाल लिए हैं कॉमन लेकर। अब ये 2 कॉमन आ गया बाहर मल्टीप्लाई में, जब ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाएगी, जब भैया ये इतनी सी जो चीज़ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला जो 2 है, जब इसको आप इधर लेके जाएंगे, ये इधर लेकर जाएंगे यहां पर इक्वल के पार, तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, और जब ये डिवाइड करेगा इस तरीके से, तो कितना आंसर आएगा आपका, 180 आंसर आएगा यहां पर, मतलब इसको काट के आएगा। तो यहां से क्या नतीजा निकला, आपका रिजल्ट ये निकला कि भैया ये सारे एंगल अब 180 डिग्री के बराबर हैं, ये सब एंगल। ये है क्या क्या, एंगल 2 और एंगल 3 कौन से हैं, एंगल 2 और एंगल 3 मिलके बन रहा है ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का, जो कि है AOB, जो कि है एंगल AOB, ये बन रहा है। एंगल 6 और 7 कितना बन रहा है, 6 और 7 ये है, जो कि बन रहा है आपका एंगल COD, एंगल COD बन रहा है 180 डिग्री। क्या कुछ मिल रहा है क्या हमें, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आंसर सा आता हुआ दिख रहा है मुझे। देखिए ना, हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अब हम देखेंगे वो नंबर कौन से होंगे इनके अलावा जो रह गए होंगे, जैसे कि 2, 3, 6, 7 तो हमारे हो गए, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर वैल्यू चेंज करेंगे तो जो बचे हुए एंगल आएंगे फिर वो निकल के आएंगे, कौन कौन से हैं, वो है आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 8। तो ये वाले एंगल आपके फिर वो निकल के आएंगे, ये आपके वही किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के आएंगे। अब आप देखेंगे ज़रा 1 और 8 पे आप नज़र मारेंगे, 1 और 8 पे आप नज़र मारेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 8 आपका ये है, जो कि एंगल बनाएगा आपका AOD, एंगल AOD बनाएगा आपका वो, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा आपका, दूसरा आपका रह जाएगा 4 और 5, तो 4 और 5 ये रहे एक साथ, जो आपका एंगल बनाएंगे BOC, एंगल बनाएंगे BOC ये रहा, ठीक है BOC, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो भैया एंगल AOD और BOC आएगा इसके आगे, जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि चल ही रहा है। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा, तो इस तरीके से दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो जाएंगे और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे लंबे लंबे सवाल भी हमने कर डाले हैं, पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। बहुत बहुत ज़्यादा बधाई मैं आपको देना चाहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहे एंड तक, ये वीडियो देखिए, सारा कॉन्सेप्ट सीखा। एक बार फटाफट इसको हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें सीखी है। मेन इसके 2 थ्योरम है, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, और दोनों टेंजेंट से रिलेटेड है, उन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर वही थ्योरम यूज़ हुई ही हुई हैं, ये भी आपने नोटिस कर लिया होगा। तो वो थ्योरम आप दोबारा से एक बार देख लेना, उनको याद कर लेना, वर्ड टू वर्ड लिख के आओगे एग्जाम में, और अच्छा लगेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो उनको आप याद कर लेना। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो होमवर्क दिए हैं वो आप होमवर्क करेंगे, प्लस ये जो मैंने करवाए हैं इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये वाले क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, जैसे टीचर ने करवाए हैं वैसे गिवन प्रूफ टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखकर बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे सवाल लिखेंगे, ऐसे आपकी प्रैक्टिस होगी। प्लस
स्कॉलरशिप का मौका आपको दे रहे हैं हम, है ना। नीचे लिंक पे, नीचे लिंक पर क्लिक करके आप दुरीना एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 10th क्लास का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स में अपने आपको एनरोल करके स्कॉलरशिप की भी तैयारी आप कर सकते हैं, स्कॉलरशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 फेज में होगी, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। अब मुझे आप कमेंट करके बता दें कि अगली वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए, कमेंट मुझे करते रहें आप लोग, ताकि मुझे आपकी नीड, आपकी जरूरत पता चल जाए और कौन कौन सी वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ, वही मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।